नमस्कार, ग्राम पंचायत चुनाव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग जो लोग नए उम्मीदवार हैं, जो लोग इस बार ग्राम प्रधान का चुनाव जीतने का पूरा मन बना लिए हैं और वे पिछले 4-5 सालों से इस फील्ड में लगातार मेहनत करते जा रहे हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इसके अंदर मैं इतने ज़्यादा सटीक और बेहतरीन टॉपिक बताऊंगा जिनके माध्यम से वे जान पाएंगे कि इस बार के चुनाव में उन्हें उनके गांव से कितने मतदाताओं का वोट बिल्कुल नहीं मिलेगा और कितने मतदाताओं का वोट बिल्कुल मिलेगा। तो कैसे आप पहचानोगे कि कौन सा मतदाता आपको वोट करेगा, कैसे आप जानोगे कि कौन सा मतदाता आपको वोट नहीं करेगा। तो इस वीडियो में शुरुआत से लेकर के आखिर तक अगर आप बने रहे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो शुरुआत करने से पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाली बटन दबा दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे और आप चुनावी दांव पेच लगातार सीखते रहें और चुनाव से रिलेटेड जो सही न्यूज है, सटीक न्यूज है, उसको लगातार प्राप्त करते रहें। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हों, मेरे चैनल से जुड़े हों, मुझे फॉलो करते हो फेसबुक पर, यूट्यूब पर, उन सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग अपनी छवि को बेहतर से बेहतर बनाए रखने के लिए जितना पॉजिटिव सोच सकें उतना पॉजिटिव सोचिए और अपने सोच को जनता के पास या जनता तक ट्रांसफ़र कीजिए। उसके बाद आ जाते हैं अपने सीधे सीधे टॉपिक पर। यदि आपको ये जानना है कि कौन सा मजदूर वर्ग, कौन सा गरीब वर्ग आपको मतदान करेगा इस बार और कौन सा नहीं करेगा, तो इसके लिए आप सबसे पहले पता लगाइए कि कौन से मजदूर को, कौन से गरीब वर्ग को वर्तमान प्रधान के द्वारा किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ पहुंच रहा है। अगर किसी मजदूर या गरीब परिवार को वर्तमान प्रधान के माध्यम से कोई भी सरकारी सुविधा का लाभ अगर पहुंच रहा होगा तो यह आप मान कर चलिए कि वह वोट आपको 99% नहीं मिलेगा। एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जिन गरीब परिवारों को या मजदूरों को सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा होगा वर्तमान प्रधान के माध्यम से, वे गरीब, वे परिवार आपको इस बार 99% संभावना है कि वोट नहीं देंगे। तो आप कैसे जानोगे कि कौन सा गरीब परिवार, कौन सा मजदूर वर्ग सरकारी योजनाओं का लाभ पा रहा है? तो इसके लिए आप अपने स्तर से, अपने सपोर्टरों के स्तर से या स्वयं खुद गांव में डोर टू डोर जा कर के मिलें, उनसे बातचीत करें, पता लगाएं, कहीं वो नरेगा का लाभार्थी नहीं है, कहीं वो पेंशन तो नहीं पा रहा, कहीं उसको तो एक शौचालय की जगह 2 शौचालय नहीं मिल गया, कहीं उसको आवास का पैसा तो नहीं मिल गया, कहीं उसके घर रिवोर का पैसा तो नहीं आया, कहीं उसकी खड़ंजे की मरम्मत के लिए उसको पैसे निकाल के नहीं दिए गए, या कहीं उसके घर के सामने का डेकोरेशन, जो रास्ता होता है, नालियां होती हैं, वे सारी कुछ ठीक कराई गई हैं कि नहीं कराई गई हैं। देखिए, एक होता है डायरेक्ट लाभ, एक होता है इनडायरेक्ट लाभ। डायरेक्ट लाभ में ये होता है कि जैसे कि सड़कें बना दी जाएँ, नालियाँ बना दी जाएँ, तो वह डायरेक्ट लाभ है कि भाई इनको भी दिख रहा है, जो लोग अगल बगल के हैं उनको भी दिख रहा है, पता है, और जो लोग नहीं दिख रहा है, जिनको, जो लोग उस रास्ते से आ रहे हैं, जा रहे हैं, वे लोग भी उस चीज़ को जानेंगे कि भाई यहाँ का प्रधान काम किया है। तो जिनके दरवाजे पर काम हुआ है उनसे आप संभावना रखिए कि वो 50% आपको मतदान करेंगे, या आप उनसे अगर मोटिवेट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे जा करके, तो वे आपको 100% भी मतदान कर सकते हैं। लेकिन जिनको इनडायरेक्ट लाभ मिला है, इनडायरेक्ट लाभ का मतलब हुआ जैसे कि कोई व्यक्ति दुकान कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, अपना निजी काम कर रहा है, उसको अच्छे से कर पा रहा है और उसको अच्छे से सफलतापूर्वक निभा रहा है, तो अगर ऐसा व्यक्ति नरेगा का लाभार्थी बन गया हो, चोरी छुपके उसके खाते में भी पैसे जाते हों, लोगों की जानकारी ना हो और लोगों की आंखों में धूल झुक कर उसके खाते में भी पैसे भिजवा दिए जाते हों, तो वह व्यक्ति भले आपके साथ चाय पानी करेगा, भले आपके साथ बैठेगा, भले आपकी बहुत कदर करेगा, लेकिन मतदान के समय उसको वही याद आएगा कि हमको तो इनडायरेक्ट हमारे खाते में प्रधान जी के माध्यम से इतने रुपए आए और अगर हम इनके साथ रहेंगे तो आगे भी आते रहेंगे। तो आपका काम है इस समय जितने भी
परिवार या मजदूर वर्ग या गरीब परिवार वर्ग के लोग वर्तमान प्रधान से अगर किसी भी प्रकार का सुख सुविधा प्राप्त कर रहे हैं तो उनकी लिस्ट आप जरूर बनाएं, उस लिस्ट पर काम करें। दूसरी बात, यदि आपको वह लिस्ट नहीं मिल पा रही है ना ब्लॉक से, ना कहीं जनसेवा से, ना कहीं आरटीआई से, तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको आपके वर्तमान प्रधान द्वारा किए गए समस्त कार्यों का सारा डेटा भी दे सकते हैं और यह लिस्ट भी दे सकते हैं कि कितने लोगों का आपके ग्राम सभा में जॉब कार्ड बना है, कितने लोगों का जॉब कार्ड चालू स्थिति में है, कितने लोगों का जॉब कार्ड निष्क्रिय स्थिति में है, कितने लोग जॉब कार्ड बनवा रहे हैं और कितने लोग मजदूरी किए, कितना दिन मजदूरी किए, कितना रुपया गया, कितने दिन की मजदूरी उनके खाते में गई, किस महीने में गई, कौन कौन सा कार्य हुआ, पोखरा खुदाई, सुंदरीकरण, कच्चा मार्ग जहाँ जहाँ पे बनता है वहाँ वहाँ पर नरेगा के मजदूरों को लगाया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मजदूर मजदूरी करने गया ही नहीं, उसकी हाजिरी बन गई, उसके नाम पर पैसे आ गए, उसके खाते में गए और उसके खाते से कोई और निकाल लिया और उसका 2-4-10% मजदूर को दे दिया गया, बाकी का 80-90% ले लिया गया किसी और व्यक्ति के द्वारा। मैं उस व्यक्ति का नाम और पद नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि अगर किसी मजदूर के खाते में से पैसा निकाला जाता है तो कौन निकालता है, कौन निकलवाता है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो आप अगर नरेगा की पूरी लिस्ट चाहते हो, एक एक काम की लिस्ट चाहते हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं या कॉल करके बात कर सकते हैं। उसका थोड़ा बहुत चार्ज लगेगा, लेकिन आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी जिससे आप जान पाओगे कि इस बार कितने लोग वर्तमान प्रधान से सरकारी सुविधा का लाभ पा रहे हैं। उनके दरवाजे पर आप जा करके गिड़गिड़ाना, उनको खुश करना, उनकी अनावश्यक रूप से मदद करना, उनके ऊपर पैसे खर्च करना, समय बर्बाद करना, ये सब आप छोड़ देंगे। जो वोटर फ्रेश होगा, जो मतदाता फ्रेश होंगे, आप उन पर अपना ज़्यादा समय बिताएंगे, आप उनको अपने मन की बात बताएंगे, आप उनको अपनी योजना के बारे में बताएंगे, आप उनके उज्जवल भविष्य के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो मतदाता वर्तमान प्रधान से अंदर ही अंदर चोरी छुपके सरकारी सुविधाओं का लाभ पा रहा है, वो आपके मुँह पर बस बनावटी मुस्कुराहट के साथ आपसे बात करेगा, लेकिन आपके जाने के बाद मन ही मन आपको धन्यवाद के रूप में 2-3 गालियां भी दे सकता है। तो क्या ज़रूरत है ऐसे मतदाताओं के पास अपना समय और पैसा बर्बाद करने के लिए? आप ऐसी जगह जाएं जहां पर आपका वोट भी बने, जहां पर आपका वास्तविक मान सम्मान हो, आप वहीं पर जाएं और वहीं से अपना वोट और वहीं से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएं। हाँ, ये लोग भी जो लोग वर्तमान प्रधान से सरकारी सुविधा का लाभ पा रहे हैं, यह लोग भी आपको वोट दे सकते हैं, लेकिन वो कब देंगे, किस स्थिति में देंगे, किस कंडीशन पर देंगे, इसके ऊपर भी वीडियो हम बनाएंगे बहुत जल्द ही। लेकिन पहले आप ये प्राथमिक उपचार जो मैं बताया उस वीडियो के अंदर, इस प्राथमिक उपचार को करिए और जो फ्रेश वोटर हैं कम से कम उनको बिखरने से रोकिए, अपनी तरफ बांधे रखिए, अपने प्रभाव में, अपने राजनीतिक छोटी सी ही पार्टी समझिए, आप अपने पार्टी में उनको रखिए और उनको हमेशा खुश रखिए, उनकी देख रेख करिए, उन्हें कौन तोड़ने आ रहा है, कौन उनको बहकाने आ रहा है, कौन क्या प्रलोभन देकर गया, कौन कितनी लालच देकर गया, इन सारी चीज़ों की जानकारी आप रखिए। इसके लिए आप अकेले पर्याप्त नहीं हैं, इसके लिए आपको टीम खड़ा करना पड़ेगा और जब टीम खड़ी रहेगी, टीम में विश्वासपात्र लोगों का चयन करना होगा, जब ये विश्वासपात्र लोग आपकी जगह जगह से, प्रत्येक बूथ से, प्रत्येक मोहल्ले से, प्रत्येक जात बिरादरी से आपको सही रिपोर्ट करेंगे, तब जाकर के आप पूरी राजनीति को समझ पाएंगे और पूरा खेल आप खेल पाएंगे और अपनी सफलता हासिल कर पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, ये मेरा पहला प्रयास था कि आपको मैं कुछ बताऊं, कुछ समझाऊं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो, चुनाव कैसे जीतना है, चुनाव की रणनीति कैसे बनाना है, छोटे लोग का वोट कैसे लेना है, मीडियम वर्ग के लोगों का वोट कैसे लेना है, बड़े जातियों का वोट कैसे लेना है, तो ये सारी टॉपिक पर आपको वीडियो बना बना के हम देंगे, बशर्ते आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंतिम तक देखें, पूरी बात ध्यान से सुनें और अगर आपको मेरी बात सही लगती है, मेरे द्वारा बताए गए दिशा निर्देश अगर आपको सही से समझ में आ जाते हैं तो आप इन्हें फॉलो करिए, जरूर से जरूर आपको सफलता मिलेगी और आपके मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी।
माननीय श्री योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि होमगार्ड विभाग 6 दिसंबर 1962 का गठन है और यह जब गठन हुआ था तो पूरे विभाग को स्वयंसेवी के रूप में गठन हुआ था। तो विडंबना इस बात की है कि केवल होमगार्ड के जवान ही क्यों स्वयंसेवी हैं और इसके ऊपर चपरासी जो पानी पिलाते हैं क्या विकलांग होते हैं अधिकारी, वो अपने से उठ के पानी नहीं पी सकते हैं, क्या उन लोगों के लिए वैतनिक जो है चपरासी रखा गया, रनर हैं, ब्लॉक ऑर्गेनाइजर आब्लिक बीओ, उसमें हवलदार, जिला कमांडेंट, डीजी, डिप्टी कमांडेंट, इन लोगों को वैतनिक क्यों बनाया गया, 50,000, 40,000, 30,000, 1,00,000 तक वेतन पाते हैं। तो कम से कम माननीय योगी आदित्यनाथ आपसे मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि पिछली सरकार जो नहीं की वह आप करके दिखा दीजिए, होमगार्ड विभाग के जितने भी वैतनिक कर्मचारी हैं उसको तत्काल सस्पेंड करके संविदा कर्मी बनाएं उनको, यही मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि होमगार्ड विभाग के जिला कमांडेंट बीओ इत्यादि जितने भी वैतनिक हैं डीजी क्यों उनको रखा गया, इनका क्या काम है, होमगार्ड विभाग में जिला कमांडेंट का क्या काम है, बीओ का क्या काम है, यह बताइए। जब डिजिटल इंडिया बन गई है, एनआईसीसी ड्यूटी लग रही है तो इन लोगों की क्या आवश्यकता है, एनआईसीसी ड्यूटी लगती है और पुलिस थाने द्वारा जो है लगाई जाती है, तो हम यह पूछ रहे हैं इन लोगों की क्या आवश्यकता है, इन लोगों से पूछो कि आप लोगों की क्या आवश्यकता है, क्यों आप लोग रखे गए हो, इनको तत्काल संविदा कर्मी बना दिया जाए या इन लोगों का पद ही समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।